सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। फुलसु ग्राम में ग्रामीणों का एक ही मुद्दा रहा कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी इनकी मूलभूत समस्या है, जिनको लेकर वह चाहते हैं कि ऐसी विधायक यहाँ इस क्षेत्र का बने जो इस क्षेत्र का इन जो समस्या है उन मूलभूत समस्याओं का निदान कर सके। और आगे तक अभी तक जो इस तरह की सुनने में आया है कि जो देखने में लगा है कि यहाँ अभी तक इस तरह की कोई समस्या जो पूर्व की भांति जो पहले थी वो आज भी मौजूद है, इसी को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और वो चाहते हैं कि जो भी सरकार और जो भी विधायक बने उस क्षेत्र का विकास करे, जो अब तक नहीं हो पाया है उसका अब हो और अब विकास हो। पंकज सिन्हा, सिटी न्यूज पालीमा। अभी हम बाहरी आतू प्रखंड के फुलसु ग्राम में आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें क्या मूलभूत समस्या को लेकर किस लेकर यहाँ पर जो है वोटिंग जो होगी उन्हें कैसा विधायक चाहिए, कैसी सरकार चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। क्या लगता है आपको क्या सरकार? देखिए अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग को ऐसा विधायक चाहिए जो गांव की समस्या है, जैसे बिजली। बिजली वो इतना आवश्यक चीज़ है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ बिजली रहती ही नहीं। कब बिजली आई, कब बिजली गई, आती भी बिजली है तो उसका कोई ढंग का वोल्टेज नहीं रहता है, जिसके कारण कि न तो किसान लाभ उठा पा रहे हैं, न व्यवसायी वर्ग लाभ उठा पा रहा है, न विद्यार्थी ढंग से पढ़ पा रहे हैं। हमको पुनः मिट्टी तेल पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है, तो फिर वो बिजली हमको चाहिए, ऐसा विधायक हमको चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आज 1956 से फुलसो गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से एक भी डॉक्टर एक दिन भी नहीं आए हैं, पिछले 30 सालों से। तो हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो हमारा स्वास्थ्य को सुधारे, कम से कम डॉक्टर सप्ताह में एक दिन भी तो आए स्वास्थ्य उपकेंद्र में। और तीसरी चीज़ है हमारी शिक्षा व्यवस्था। बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए हम विकास नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी कोई डैम रिजर्वायर हम बना लें। आज हमारा शिक्षक वर्ग ही परेशान है, पारा शिक्षक लोग ही परेशान है, फिर गांव के बच्चे शिक्षा पाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या दिल्ली बॉम्बे में पढ़ाने के लिए? गांव वाले, हमारी भी क्षमता नहीं है कि हम दिल्ली में बच्चों को पढ़ा सके। और चौथी है कि जो बच्चे पढ़ के निकल भी रहे हैं अपने स्वाध्याय से, अपनी मेहनत से, अपना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है, तो नौकरी एवं रोजगार दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास तो विधायक करे, करना सरकार को है, लेकिन विधायक कम से कम मुद्दा तो उठाए। लातेहार विधानसभा के संबंध में कम से कम विधानसभा में प्रश्न उठाए, वैसा विधायक हम चाहते हैं। और क्या लगता है किस तरह का सरकार या विधायक चाहिए ताकि विकास? ऐसा विधायक चाहिए जो विकास और बदलाव ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रकाश राम से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या आखिर समस्या थी कि JVM से हट करके BJP में आप चले गए? ये आपके सरकार माध्यम से प्रकाश राम से मैं पूछना चाहता हूँ। और किस तरह का विकास चाहिए यहाँ का क्षेत्र का? जिस तरह के आप देख रहे हैं रोड का स्थिति क्या है और लोगों का स्थिति क्या है, यहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या नहीं नहीं हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल है, लोग यहाँ से बालू मार बारिया तुम भी इस तरह का कोई नहीं। हॉस्पिटल बना देने से कुछ नहीं होता, वह पेड़ के नीचे भी डॉक्टर बैठ करके और इलाज कर सकता है। हॉस्पिटल बनाना ये ठेकेदारी की बात है, समझ गए ना? असल डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। पहले फुलसु पंचायत में एक नर्स, एक ड्रेसर और एक डॉक्टर, मिनी डॉक्टर, छोटा डॉक्टर रहता था, और सप्ताह में एक दिन बड़ा डॉक्टर बालूमा से आया करता था, लेकिन यह आना ही बंद हो चुका है। इसलिए मैं अपने जो आने वाले विधायक से, चाहे जो भी आए, उसे यही आग्रह करूँगा कि इस मामले पे ध्यान दिया जाए। और पूछते ग्रामीणों से कि क्या लगता है आपको किस तरह के यहाँ पर विधायक सरकार चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास हो सके? जो खुद विधायक अपना विकास कर रहे हैं उस क्षेत्र के जनता के का विकास करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, विधायक हम लोग प्रकाश राम को चुनते हैं, लेकिन जब उनसे व्यक्तिगत काम हो तो सीधा बोलते हैं कि देवनंदन जी से लिखवा के लाइए, चाहे अनिल सेठ से। तो हम प्रकाश राम से ही पूछना चाहते हैं
कि जब हम छठ तालाब का तीन तीन बार अनिल सेठ को दिए तो अभी तक छठ तालाब पीसीसी का है नहीं बना। दूसरा चीज, जमीन हमारे बाप दादा दें और ठेकेदारी उनका कार्यकर्ता नीलू शर्मा और अरविंद सिंह करें। पहला स्कूल में जमीन देने वाले हमारे दादाजी, ठेकेदारी नीलू शर्मा और अरविंद सिंह की है, तो हम लोग क्या घास छोड़ने के लिए यहाँ पर चला है? और किस तरह का विकास के लिए आपको एक ऐसा विधायक चाहिए जो आपको क्षेत्र का विकास करे? विधायक कम से कम जनता का सुने, जनता के बीच में रहे। बात करते हैं 2014 चुनाव में जब आए थे तो बोले थे कि हरियाणा और पंजाब बना देंगे, तो विधायक जी हमको अपना फंड से एगो चापाकल चाहे एगो तालाब एगो कुआं ही बता दें। हम उनका पक्ष नहीं विपक्ष नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो वादा किए तो उस वादा पर वो कितना खड़े उतरे हैं इलाके समझा दें हम लोग को, उसके बाद आवे वोट मांगने देंगे वोट कहे नहीं देंगे। और जो मोदी जी के नाम पर ही अगर वोट मांगते हैं तो ये देश का चुनाव नहीं है और यहाँ मोदी जी बैठने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बैठेगा ठीक है, भाजपा का सरकार बने हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी तो आ नहीं रहे हैं। चोरी छुप के कहीं विधायक खरीदारी हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, उस तरह की आप सरकार बना के क्या साबित करना चाहते हैं? और रहा बात देश के मुद्दा में, तो यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने से कुछ नहीं होता। यहाँ जमीनी हकीकत में देख लीजिए, रोड का दशा देखते किए होंगे, रोड सबसे खराब है, स्कूल का दशा देखिए रहे हैं, स्वास्थ्य का दशा बताया ही गया, कैसा और ऐसा क्या करें? गंगा जी का रोड क्या लगता है? रोड मतलब बिल्कुल अच्छी है, आपको देखिए एकदम हर जगह से खराब, हर जगह एरिया में रोड बन गया है, लेकिन यहाँ रोड नहीं, एकदम है रोड जाइए एकदम समझे नहीं आ सकते, और गाँव का पूरा आगे देखें अपना समझे नहीं पूरा इतना। वहाँ क्या बता सब जाने की हर चीज़ हम लोग का तकलीफ है, बिजली का तकलीफ है, रोड का तकलीफ है, सब चीज़ का इलाज का तकलीफ है, सब चीज़ तकलीफ हम लोग का है। अरे इसी डर से तो गांधी निकाले, अब फिर डर जाइए। क्या मूलभूत समस्या यहाँ का? जनता की ताकत है कि एक बार खास जनता खड़ा होंगे तो किसी को बता रहा हूँ। यहाँ न रोड की व्यवस्था सही है, न बिजली है, न स्वास्थ्य का अस्पताल बना हुआ, लेकिन कुछ रहता नहीं है, इलाज यहाँ सही हो नहीं पाता। देहात में तो सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी रोड बिजली इतना बहुत जरूरी देहात के लिए, सब कैसे आप विधायक कहीं जो क्षेत्र का विकास करें, जो काम करने लायक हो, जो काम करे क्षेत्र में घूम के देखे कि हाँ हम किस जगह क्या कमी है, वैसा विधायक चाहिए। क्या अभी तक विकास हुआ आपके क्षेत्र का? कुछ नहीं, 0% 0% बारिया तो से फूसो तक आप आग देख रहे हैं, रोड कैसा है, पॉल सिर्फ गाड़ा हुआ है, लेकिन आज तो लेन नहीं है, अगर लेन आता है तो चार दिन बाद पौले गिर जाता है, ऐसा व्यवस्था है यहाँ। ये तो गांव के जनता है कि अभी तक